रहमान रहीम। आज के इस लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे रेक्टिलिनियर मोशन का, क्यूके गौरी की बुक है। क्वेश्चन की स्टेटमेंट है, अ पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड विद अ वेलोसिटी 2g स्क्वायर रूट, 2g स्क्वायर रूट एंड अनदर इज लेट फॉल from a height small h at the same time, find the height of the point where they meet each other। question बहुत ही आसान है। अगर आपको इस question की statement समझ आ जाए तो ये question आपके लिए कोई मुश्किल नहीं रहेगा। basically ये दो particles की motion है। एक particle ये है जिसको हमने P2 का नाम दिया, figure की तरफ देखें, ये particle P2, ये पार्टिकल इसको हमने नीचे की तरफ ड्रॉप किया है। जिस वक्त इस पार्टिकल को ड्रॉप किया उसी वक्त जमीन से एक पार्टिकल जो है वो अपवर्ड डायरेक्शन में हमने उसको प्रोजेक्ट कर दिया। जब फर्स्ट पार्टिकल को या P2 को हम स्मॉल h हाइट से जमीन पे गिरा रहे हैं और जमीन से एक पार्टिकल को अपवर्ड मोशन दे रहे हैं, तो हम इन दोनों की मोशन को अलग अलग डिस्कस करते हैं। सबसे पहले तो हम इस प्रोजेक्टेड मोशन को डिस्कस करते हैं कि ये जो पार्टिकल जिसको हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं इसकी मोशन के मुतालिक हमारे पास क्या इंफॉर्मेशन है। नंबर वन, इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 के बराबर है। ये इसकी इनिशियल वेलोसिटी हमें गिवन है कि वो 2gh स्क्वायर रूट के बराबर है, ये स्टेटमेंट के अंदर मौजूद है। जिस वक्त आप पार्टिकल को अपवर्ड डायरेक्शन में थ्रो करेंगे, इसको प्रोजेक्ट करेंगे, तो इसका एक्सेलरेशन ग्रेविटी के अगेंस्ट होगा, तो माइनस जी के बराबर होगा। लेट्स सपोज ये पार्टिकल और अपवर्ड से ड्रॉप्ड पार्टिकल दोनों ए पॉइंट के ऊपर मीट करते हैं, तो जमीन से ए पॉइंट तक का डिस्टेंस जो है वो एक्स है, तो इस पार्टिकल ने एक्स डिस्टेंस कवर किया। अब मुझे इसका डिस्टेंस कैलकुलेट करना है, तो मैं न्यूटन के सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन जो है वो यूज करूंगा, एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर, ये वाला फार्मूला यूज होगा। अब हम सेकंड पार्टिकल को डिस्कस कर लेते हैं, उसकी मोशन को। जब आपने यहां इस पार्टिकल को ड्रॉप करना है उस वक्त इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 है, इसका एक्सेलरेशन जी के बराबर है, प्लस जी के बराबर, क्योंकि ये अंडर द ग्रेविटी जमीन की तरफ आएगा, जी पॉजिटिव होगा, और जब अगेंस्ट द ग्रेविटी मूव करता है तब जी की वैल्यू माइनस के बराबर होती है। अब इस पार्टिकल ने पहले जो प्रोजेक्टेड पार्टिकल है उसको ए पॉइंट पे टच किया है, ए पॉइंट पे मीट किया है, तो इसने जो डिस्टेंस कवर किया है वो है एक्स माइनस एच, जो डिस्टेंस है वो है एक्स माइनस एच माइनस एक्स। क्यों? टोटल डिस्टेंस जो है वो एच के बराबर है, टोटल डिस्टेंस एच के बराबर है, एक्स डिस्टेंस ये प्रोजेक्टेड पार्टिकल जो है वो कवर कर चुका है, तो ड्रॉप पार्टिकल ने जितना डिस्टेंस कवर किया वो टोटल हाइट में से ये एच को माइनस कर दें, वो रह जाएगा एच माइनस एक्स। तो अब हम क्वेश्चन की प्रॉपर स्टेटमेंट की तरफ आते हैं, वर्डिंग की तरफ आते हैं। जैसे कि आपको नजर आ रही है, अ पार्टिकल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम अ हाइट एच, जो पार्टिकल P2 है ये वाला बॉल, इसको हाइट एच से ड्रॉप किया गया, और एक दूसरा पार्टिकल है उसको जमीन से प्रोजेक्ट किया गया। सपोज करें कि दोनों एट पॉइंट ए मीट करते हैं, लेट बोथ द पार्टिकल्स मीट एट पॉइंट ए। अब हम वन बाय वन डिस्कस करने लगे हैं मोशन ऑफ प्रोजेक्टेड पार्टिकल, जो P1 है उसकी बात करें, तो उसको जो इनिशियल वेलोसिटी दी गई है वो 2 स्क्वायर रूट इनिशियल वेलोसिटी ये है 2gh स्क्वायर रूट, एक्सेलरेशन माइनस जी के बराबर होगा, और सपोज करें कि इसने जो डिस्टेंस कवर किया है वो एक्स के बराबर है। अब सेकंड मोशन ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन को हम यूज करते हैं, एस इक्वल्स टू यू टी
हाफ ए टी स्क्वेयर, ये फार्मूला है। एस की जगह पे हम लिखेंगे एक्स, जो डिस्टेंस उसने कवर किया एक्स। यू टी की जगह पे 2 GH स्क्वेयर रूट इंटू टी माइनस 1/2, ए की जगह पे माइनस जी, उसकी वजह से ये नेगेटिव साइन हो गया टी स्क्वेयर। अब इसको कह देंगे इक्वेशन नंबर 1 है। सिमिलरली अब जो ड्रॉप पार्टिकल है उसकी मोशन को डिस्कस करते हैं। मोशन ऑफ ड्रॉप पार्टिकल, इनिशियल वेलोसिटी उसकी यू जीरो के बराबर है, एक्सेलरेशन जी के बराबर है, जो डिस्टेंस उसने कवर किया अभी मैंने आपको समझाया कि वो एच माइनस एक्स के बराबर है। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन यहां भी यूज करें, एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर, डिस्टेंस उसने कवर किया है एच माइनस एक्स, इनिशियल वेलोसिटी उसकी जीरो थी, प्लस 1/2 ए की जगह पे जी आ जाएगा टी स्क्वेयर, एच माइनस एक्स इज इक्वल 1/2 जी टी स्क्वेयर। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 है। अब हमने इन दोनों इक्वेशन को प्लस करना है, फर्स्ट इक्वेशन को और सेकंड इक्वेशन को हम ऐड करते हैं। 1 + 2 इंप्लाइज, जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो यहां देखें ये लेफ्ट साइड के ऊपर ये एक्स जो है वो नेगेटिव का है और यहाँ एक्स पॉजिटिव का है, ये दोनों कट जाएंगे तो लेफ्ट साइड पे हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एच रह जाएगा। चले हम लिख लेते हैं आसानी के लिए, एच माइनस एक्स प्लस एक्स, लेफ्ट साइड वाले नंबर ऐड हो गए, 1/2 जी टी स्क्वेयर और इसमें हम ऐड करेंगे 2 GH स्क्वेयर रूट टी माइनस 1/2 जी टी स्क्वेयर। ये एक्स प्लस का ये एक्स माइनस का कैंसल, ये क्वांटिटी प्लस की है ये क्वांटिटी माइनस की है, ये क्वांटिटी भी कैंसल हो गई तो हमारे पास जो रिमेनिंग वैल्यू बचेगी वो है एक्स एच इज इक्वल्स टू 2 GH स्क्वेयर रूट टी, और यहां से अगर मैं टी की वैल्यू कैलकुलेट करना चाहूं तो टी इज इक्वल स्मॉल एच ओवर 2 GH स्क्वेयर रूट विच इज इक्वल्स टू एच ओवर 2 G और ये स्क्वायर रूट, ये टाइम की वैल्यू कैलकुलेट हो गई। इसको इक्वेशन नंबर 2 में पुट करता हूं, पुट इन 2 सेकंड इक्वेशन में इसको पुट करते हैं। सेकंड इक्वेशन जो है वो हमारे पास एक्स माइनस एच, एच माइनस एक्स इज इक्वल 1/2 जी टी स्क्वायर, टी की वैल्यू एच ओवर 2 G स्केयर रूट और इसका स्केयर। अब स्केयर से स्केयर रूट कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास इक्वेशन आएगी एच माइनस एक्स इज इक्वल 1/2 जी इंटू एच ओवर 2 G, जी से जी कैंसिल और यहां से ये इक्वल होगा एच ओवर 4 और एच माइनस एच बाई 4 इज इक्वल्स टू एक्स, और यहां से अगर हम एक्स की वैल्यू कैलकुलेट करें एक्स इज इक्वल्स टू एलसीएम लेने के बाद 3 H/4, तो इतने डिस्टेंस पे जो पार्टिकल है वो मीट कर रहे हैं, तो ये हमने रिक्वायर्ड आंसर है। थैंक यू।